राष्ट्रीय योगी सेना द्वारा एक ज्ञापन श्रीमान नगर आयुक्त को प्रेषित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय योगी सेना जिला अध्यक्ष प्रभुजोत सिंह बग्गा एवं जिला प्रभारी विनय कश्यप उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि जनपद मुरादाबाद में निरंतर नगर निगम की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे आम जनमानस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गांधीनगर में SM सर्जिकल द्वारा रास्ते पर सामान रखा जाता है, जिससे निकलने वालों को कठिनाई होती है। ऐसे ही अन्य स्थानों पर अवैध अतिक्रमण की दिक्कतें हैं, जिनको चिन्हित किया जाना अति आवश्यक है। साथ ही नगर में बंदरों एवं आवारा कुत्तों की तादाद काफी बढ़ती ही जा रही है, जिससे काफी घटनाएं सामने आ रही हैं। आए दिन किसी बुजुर्ग बच्चे एवं महिलाओं को इनके काटने से अत्यंत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इन जन समस्याओं का निस्तारण किया जाना अति आवश्यक है। ज्ञापन देने वालों में प्रभुजोत सिंह बग्गा, विनय कश्यप, गगन मल्होत्रा, वरुण ढाका, अमरीक सिंह, यश मल्होत्रा, विनय मेहरा, देवेंद्र, राजकिशोर, दीपक ठाकुर, ऋतिक आर्य, सतीश आदि मौजूद रहे। योगी सेना का जिला अध्यक्ष प्रभुजोत सिंह बग्गा, आज हम SSP साहब पे इसलिए आए हैं क्योंकि एक किसी समुदाय के व्यक्तियों द्वारा वाल्मीकि जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी गई है, उसके रोष प्रकट करने के लिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम आज योगी सेना के सारे सदस्य जितने भी हैं SSP साहब पे उसका ज्ञापन दे रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने के लिए उसको कर रहे हैं। उसके अलावा ज्ञापन हमने नगर आयुक्त जी को देना है, जिसमें बंदरों की कुत्तों की समस्याएं और जगह जगह अतिक्रमण जो हो रहा है, लोगों ने गाड़ियां कारें खड़ी कर रखी हैं, अपनी पार्किंग ना होने के बावजूद वो रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और जब उनसे कोई भी लोग कुछ कहते हैं तो वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, आती जाती महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं और मारपीट को उतरारू हो जाते हैं। उसको रोकने के लिए नगर आयुक्त जी को हमने अभी 11:30 बजे ज्ञापन